मतलब अभी जो जब से ममता सरकार आया है तो कन्याश्री, रूपश्री, ये सब युवश्री और बच्चे लोगों से शास्त्र साथी ये सब किया है ना, तो इतने से कम्युनिस्ट था, 35 साल राज किया, ज्योति बसु क्या किया है, सब कुछ नहीं मिला किसको। बताइए योजनाओं के बारे में। कन्याश्री में कन्याश्री जो है लड़की लोग पढ़ाई किया ना, पढ़ाई करने के बाद जैसे उसको शादी का टाइम आया, अच्छा, तो जैसे उसका 18 साल उम्र होता है, हाँ। तो उसको कन्याश्री ममता से ये है योजना है, हाँ, उससे कन्याश्री 30,000 मिला उसको, अच्छा। तो एक गरीब घर में अगर 30,000 रुपये मिला, अच्छा, तो कुछ पैसा देकर उसका बाप शादी करा सकता है। शादी के बाद जैसे शादी के बाद उसको रूपश्री है, लड़की का शादी हो गया, जैसे सोच लो शादी हो गया लड़की का ना, शादी होने के कुछ दिन के बाद जैसे आज शादी हो गया और जो उसका जो मैरिज सर्टिफिकेट रहता है और उसका जो शादी का कार्ड रहता है वो सब देने के बाद उसको फिर 30,000 रुपये मिलता है। वो 30,000 किस चीज़ के लिए? परिवार चलाने के लिए। परिवार चलाने, शादी हो गया ना, शादी होने के बाद उसको 30,000 फिर मिलता है, तो ये बोलते हैं कन्याश्री, उसको बोलते हैं रूपश्री, और कुछ दिन के बाद फिर युवश्री मिलेगा, शास्त्र साथी मिल रहा है। अभी के गरीब घर में कुछ बीमार हो गया तो शास्त्र साथी कार्ड हो गया तो उसको फ्री इलाज होगा। बच्चे लोग दूर दूर स्कूल आते हैं उसको साइकिल मिलता है, हाँ, और लड़की लोग को महीने में 2,000-1,500 मिलता है, उसके बाद लड़का लोग के स्कूल में पैसा मिलता है। पहले तो सब नहीं था, हाँ। कहाँ था ये सब? अच्छा, अभी जब से ममता है तभी से शुरू हुआ ना, ये 10 साल में, 10 साल पहले CPM था, कहाँ मिला? मेरा एक तो शादी लड़की को आज भी मैं कन्याश्री भी रुपया मिला, अच्छा। आज भी आज मिला, आज मिला था, अच्छा। कब शादी है लड़की का? 18 साल बस हो गया है, 18 साल हो गया, अभी शादी अभी तय नहीं हुआ ना, शादी नहीं हुई है, हाँ मिल गया है, मिल गया है, शादी देगा लड़की को, वो कन्याश्री का टका मिल गया है आज। शादी में दीदी को इनवाइट कीजिए, दावत कीजिएगा। हाँ दीदी तो जिंदाबाद है, पश्चिम बंगाल दावत कीजिएगा ना शादी, हाँ दावत कीजिएगा। लड़की सब को कन्याश्री भी मिलता है, हाँ, साइकिल दे रहा है, अच्छा राशन दे रहा है, पहले इसका इस महीने से आगे 6-7 महीना जो है राशन खिलाया फ्री, 20 किलो करके, 20 किलो करके हर महीना मिलता था, हाँ हर एक आदमी को 10 किलो, अच्छा, मिलता था, जिसका जितना परिवार है 10 किलो को पढ़ाई परिवार को मिला, राशन मिला, फ्री मिला, ये तो ममता सरकार का है ना, हाँ, अच्छा उस इससे पहले फिर उससे पहले जो है और ये गरीब लोगों का जो लड़की सब पढ़ रहा है स्कूल में, कन्याश्री पढ़ रहा है, रूपश्री पढ़ रहा है, हाँ, इतना फैसिलिटी है ममता, जो ममता दीदी है इतना काम किया, सबसे बड़ा काम तो कन्याश्री जो दिया है उसके लिए हम लोग ममता दीदी को वोट देंगे हम लोग, अच्छा। उसके लिए बहुत काम किया है बंगाल का अंदर, दीदी छोड़ के यहाँ किसी का भी दाल नहीं गलेगा, अच्छा। चाहे OBC हो, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे CPM हो, हम लोग को दीदी से हमारा प्यारा है और दीदी को हम लोग वोट देंगे। क्यों ऐसा, हाँ, क्या खास है ममता? हमारे गरीब के लिए बहुत कुछ किया है बंगाल में। क्या क्या मिला आपको? क्या क्या? हमको गहम मिलता है, चावल मिलता है, भाता मिलता है, हाँ, फिर आधार कार्ड में इससे पैसा मिलता है, बहुत कुछ देता है ममता। दीदी को वोट देंगे। किसको? ममता दीदी को, अच्छा, क्योंकि वो बहुत गरीब के लिए काम किया है, कन्याश्री, युवक के श्री, एक साल से वो अनाज फ्री मिल रहा है हम लोग को, अच्छा। 7 महीना फ्री खिलाया, अच्छा। एक एक बंदे को 10 किलो करके आटा गेहूँ मिला के दिया है, उन्हीं को वोट देंगे, अच्छा। रास्ता घाट सही किया, वो मुस्लिम भाता मिलता है, कन्याश्री मिल रहा है, मुस्लिम भाता, हाँ, ये क्या है, ये मौलवी लोग को जो इमाम भाता मिलता है, इमाम भाता, हाँ, उनको भी दे रहे हैं पैसे, अच्छा। सबको हर चीज का सुविधा किया है, अच्छा। तो किन मुद्दों के आधार पर इस बार इस्लामपुर के लोग वोट करेंगे? इस बार तृणमूल को होगा। तृणमूल को? क्यों तृणमूल को होगा? इसलिए कि तृणमूल सरकार जो है, ममता जो है, अच्छा काम करके दिखाते हैं और अच्छा हर चीज के लिए, अच्छा। और फैसिलिटी भी अच्छा देते हैं वो, अच्छा। क्या क्या फैसिलिटी मिला आप लोग? फैसिलिटी तो ऐसे
बच्चा को साइकिल भी मिलता है, अच्छा रेशन भी देता है वो, पाँच किलो करके वो रेशन भी अपना राज्य सरकार वो देता है सबको, और बच्चा को कन्याश्री भी देता है, युवश्री भी देता है, और हर चीज़ के महीन रोटी सब कुछ भी मिलता है, रूपश्री भी देता है, हर सामान वो अच्छा से देते हैं। जैसे कन्याश्री विकाश्री यहाँ जो जितने भी बच्चे लोग पाते हैं तो थोड़ा पीछे तो जो पाते हैं तो स्कूल में तो सभी बच्चे होते हैं, हर धर्म के आदमी होते हैं, तो उसमें तो जाति भेदी नाम नहीं है, तो उनकी यही सोच है कि जाति भेदी के आधार पर वो बीजेपी वोट मांगते हैं, इसलिए बीजेपी हमको पसंद है। मेरा बारे में बोल रहा हूँ, मेरा घर मेरा पाँच ठो बच्चा है, तीन ठो लड़की दो ठो लड़का है, मेरा फैमिली अभी ए टू जेड ममता ही संभाल रहा है। अच्छा बताइए कैसे संभाल, अभी अकाउंट में टका दे रहा है, साइकिल भी दे रहा है, अभी समझो मेरा 70 किलो चावल पाता हूँ, 18 पैकेट आटा पाता हूँ, उसको टका हुआ भी मिलता है ना, उसमें मेरा फैमिली कैसे भी निकल जाता है, तो समझ लो तो वोट हम किसको देंगे, पूरा परिवार ममता दीदी चला रही है, मेरा पूरा फैमिली भी ममता दीदी अभी चला रहा है, तो वोट उसी को देंगे ना भाई।